नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस नए वीडियो में हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक नए कैंपस, एक नए रिक्रूटमेंट की जानकारी को लेकर। और यहाँ पर फ्रेंड मैं एक ही वीडियो में आपको 3 से 4 कंपनी में होने वाली रिक्रूटमेंट की जानकारी को लेकर हाजिर हूँ। और यहाँ पर फ्रेंड ITI, डिप्लोमा, BTech सभी के लिए अलग अलग रिक्रूटमेंट है। तो अगर आप ITI, डिप्लोमा, BTech कैंडिडेट्स हैं और जॉब सर्च कर रहे हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे हम आपको। चलिए आइए इस रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो फ्रेंड अगर हम बात करें यहाँ पर पहले कंपनी की, तो पहली कंपनी का नाम है DP ऑटो पार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका कि जो लोकेशन है फ्रेंड वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और यहाँ पर फ्रेंड ITI, डिप्लोमा और BTech सभी के लिए रिक्रूटमेंट है। तो अगर आपने अपनी ITI पास कर रखी है गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, NCVT या SCVT से, तो आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पर ITI की लगभग सभी इंजीनियरिंग ट्रेड के कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पर डिप्लोमा मैकेनिकल के कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, साथ ही साथ जो BE कैंडिडेट हैं BE मैकेनिकल के कैंडिडेट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे बात करें अगर सैलरी की, तो अगर आप ITI कैंडिडेट्स हैं तो आपकी सैलरी रहेगी 8,500 रुपये, और डिप्लोमा के लिए होगी 9,500 रुपये, BE BTech कैंडिडेट्स के लिए होगी 10,500 रुपये। एज लिमिट यहाँ पर मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 ईयर तक का बताया गया है। तो उसके बाद बात करें अगर आपकी जॉब प्रोफाइल की है कि आपका वर्क क्या रहेगा, तो यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपका वर्क रहेगा, जैसे कि CNC, VMC जो मशीन होती है उसको आपको ऑपरेट करना होगा। यहाँ पे फिर बताया गया है अगर आप ITI और डिप्लोमा कैंडिडेट हैं तो आपकी ज्वाइनिंग एज ए अप्रेंटिसशिप होगी, अगर आप BTech कैंडिडेट हैं तो आपकी ज्वाइनिंग GET यानी कि ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनी पोस्ट पर होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर ये ईमेल आईडी दी हुई है, इस ईमेल आईडी पे आप अपना रिज्यूमे सेंड कर सकते हैं, जिसके द्वारा जैसे ही आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट होगा आपको कंपनी की तरफ से कॉल आ जाएगी। तो फ्रेंड अगर हम बात करें अगली कंपनी की, जिसका नाम है ZF स्टेनिंग गेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसका कि प्लांट पीतमपुर MP में है। और यहाँ पर BE यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और BTech कैंडिडेट्स के लिए रिक्रूटमेंट है। तो अगर आपने अपना BE पास कर रखा है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल और प्रोडक्शन ट्रेड से, तो आप एलिजिबल हो। यहाँ पर आपका जो स्टाइपेंड है 10,250 रुपये से 11,500 रुपये पर मंथ तक हो सकता है। और यहाँ पर फ्रेंड जो इंटरव्यू को डेट्स बताई गई हैं वो डायरेक्ट कंपनी के प्लांट में इंटरव्यू होगा, और ये इंटरव्यू 6 अगस्त, 7 अगस्त, 11 अगस्त और 12 अगस्त को होगा। तो इन डेट्स में आप कंपनी के प्लांट में पहुंच सकते हो। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो रहा है कि आपको किस तरह से पहुँचना है, तो यहाँ पर फ्रेंड हम आपको आगे नंबर भी देंगे। और यहाँ पर बताया गया प्लीज़ नोट दैट द क्लाइंट विल टेक ओनली 10-12 कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू ऑन एवरी डेट ऑफ इंटरव्यू, यानी कि डेली के हिसाब से वो 10 से 12 कैंडिडेट ही इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर आप बात करके अपने सभी डाउट क्लियर कर सकते हो, जो कुछ आपको पूछना है पूछ सकते हो और अपना रिज्यूमे भी सेंड कर सकते हो। तो जैसे ही आपका रिज्यूम सेलेक्ट होगा या आप अगर इनसे बात कर लेंगे इस नंबर पर, उसके बाद आपको किसी भी डेट में बुला लिया जाएगा। अगली कंपनी फ्रेंड है जिसका नाम है बैगनैन प्रिसीजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसका कि प्लांट रोहतक हरियाणा में है। यहाँ पर 12th पास, ITI और डिप्लोमा, इन 3 क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकली हुई है। तो अगर और यहाँ पर जो सैलरी बताई गई फ्रेंड वो 10,500 रुपये पर मंथ, उसके बाद में PF, ESI, ओवर टाइम यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ये एक परमानेंट जॉब है, तो अगर आप यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हो तो आपकी हमेशा के लिए एक जॉब हो जाएगी। सैलरी कम है उसकी कोई बात नहीं, बट आप परमानेंट यहाँ पे हो सकते हो। यहाँ पर जो इंटरव्यू की डेट बताई गई है फ्रेंड 7, 8 और 9 अगस्त बताई गई है, उसके बाद 10 अगस्त को लास्ट डे इंटरव्यू यहाँ पर होगा। और यहाँ पर जो इंटरव्यू फर्स्ट इंटरव्यू होगा वो यहाँ पर इंटरव्यू जो एड्रेस है D2/525 आशियाना Sector L लखनऊ, लखनऊ में इसका फर्स्ट एड्रेस यहाँ पर फर्स्ट इंटरव्यू होगा। जब आप यहाँ से सेलेक्ट हो जाओगे तो सभी कैंडिडेट को एक साथ कंपनी में इंटरव्यू के लिए भेज दिया जाएगा, वहाँ आपका नॉर्मल इंटरव्यू होगा और आपका मेडिकल होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो अगर आपको लग रहा है कोई डाउट तो यहाँ पर ये दिया हुआ नंबर आप इस पर ट्राई करिए, सारी डिटेल लीजिए, उसके बाद आप जाइए। यहाँ पर फ्रेंड आपका जो पहला इंटरव्यू होगा वो एक कंसल्टेंसी के द्वारा होगा, जो आपसे 100-200 रुपये ले सकती है। तो उसके लिए अगर आप इच्छुक हैं तो दीजिए, वरना मत दीजिए, तो वो तो उसका काम है, वो तो लेंगे लेंगे, बट अगर आपको लग रहा है कि आपको देना चाहिए तो दीजिएगा, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं अपनी तरफ से बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप इस कंसल्टेंसी को 1 भी रुपया दीजिए।
अगर आपको लग रहा है तो आप दे सकते हैं। तो उसके बाद पहला इंटरव्यू देने के बाद आप यहाँ पे जा सकते हो। उसके बाद एक और अदर कंपनी में भी फ्रेंड यहाँ पे रिक्रूटमेंट है, जहाँ पे 10,000 रुपये सैलरी है और हर 3 महीने में आपका इंक्रीमेंट भी लग सकता है। उस कंपनी का प्लान गाज़ियाबाद में है, उसका भी इंटरव्यू यहाँ पर फ्रेंड होगा, उसके लिए भी आप बात कर सकते हो। यानी कि एक दिन में 2 इंटरव्यू होंगे, आप अगर चाहो तो बात कर सकते हो फ्रेंड। सबसे पहले आपको जो बात करना होगा इस नंबर पे, और यहाँ पर जो एड्रेस है, जो कि कंसल्टेंसी, उसका नाम है, उसका जो एड्रेस है वो है D2/525 आशियाना, Sector L, लखनऊ। ये कंसल्टेंसी का एड्रेस है, तो आप इस पर बात कर सकते हो। अगर आपको सही लगे तो आप पेमेंट करिएगा 100-200 रुपये। अगर आपका दिल नहीं कर रहा तो मत करिएगा। हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं बिल्कुल भी, हमारे पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन आई है, वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं ताकि आपको जॉब मिल सके। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।